ये भाई बद्रीनाथ धाम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड की पिंडर घाटी से, और अभी मैं जा रहा हूं भाई बद्रीनाथ की यात्रा पे। तो घर से निकल गया हूं मैं और रोड पे चल रहा हूं, गाड़ी थोड़ा आगे पे मैंने लगा रखी है। तो फिर चलिए चलते हैं आज बद्रीनाथ। अभी हम खड़े हैं यहां पे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे, और इसके पीछे बनी हुई है ये टनल। ये टनल यहाँ पे इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसके ऊपर से ग्लेशियर आता है, पहाड़ी के ऊपर से बर्फ़ आती है या पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो अक्सर यहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का एक टनल बना दी गई है जिसके ऊपर से वो पानी या वो बर्फ़ सीधे फिसल करके ठीक नीचे, यहाँ से जो नीचे है घाटी की तरफ, वहाँ की तरफ चले जाता है। तो ये जो चार धाम प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके का है। इस तरीके से यहाँ पे यातायात में कोई दुविधा नहीं होती है, कोई बाधा नहीं आती है। और इतना बढ़िया पानी है ना, बिसलरी और महंगे महंगे ब्रांड से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बेहतरीन पानी है। हम बद्रीनाथ से पहले एक जगह पे है, विनायक चट्टी से आगे अभी हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा यहाँ से बहुत खुली खुली सी जगह थी और यहाँ पे चाय की व्यवस्था है। तो आप अभी लामबगड़ में है भाई, तो आप कितने टाइम रहते हैं यहाँ पे? दो चार महीने। दो चार महीने। और घर कहाँ आपका? ये है लामबगड़ में। अच्छा अच्छा लामबगड़। ये है भाई व्यवस्था यहाँ पे। भाई अभी हम लामबगड़ से आगे पहुँच चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ जाते हुए आपको दो तीन जगहों पे, जैसे जोशीमठ है और जोशीमठ से नीचे जहाँ नीचे घाटी में है विष्णुघाट परियोजना जहाँ तक चल रही है, और वहाँ से आगे कई जगहों पर आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वन वे बना हुआ है। तो ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एक तरफ बद्रीनाथ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको छोड़ा जाता है, और एक तरफ जो गाड़ियाँ बद्रीनाथ जा रही हैं वो बारी बारी से जाती हैं। और ये आगे भाई गौ माता जी आगे हैं और इनसे हम रास्ता लेते हैं। 2013 की आपदा में ना ये पुल बह गया था लामबगड़ वाला। ये देख भाई पहाड़ की बकरियां देखे इस समय बहुत ज़्यादा हैं, और इतनी बड़ी बकरियां ये मार भी सकता मुझे मार भी सकता है, इसलिए थोड़ा दूर हो जाते हैं। और यहाँ मैं आपको झरना दिखाऊँ ना, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचे से गिर रहा है, करीब पूरा 1 किलोमीटर है उस टॉप से, पहाड़ी के टॉप से, और ये सीधा ये झरना आ रहा है भाई सामने से और सीधे यहाँ नीचे। भाई आखिरकार हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम में। यहाँ पे 60 रुपये हमने जमा किया और ये पहुंच गए भाई हम बद्रीनाथ में। ये भाई आधार कार्ड और रूम ले लिया हमने इस समय बद्रीनाथ में। भाई ये ले लिया हमने बद्रीनाथ में रूम क्योंकि हम 6 लोग हैं, तो 2 बेड हमने ले लिए यहाँ पे, 4 और 4 की और ठीक है फिलहाल। तो सब चीज़ का रूम चार्ज कितना है? रूम चार्ज यहाँ तो 3,000 है और जगह पूछा तो हमने 6,000 है, पता नहीं क्या चक्कर है यार। अभी शाम के बज चुके हैं लगभग 6:30 और मैं घूम रहा हूँ भाई बद्रीनाथ की गलियों में, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे भी। आने जाना 1500। अच्छा ये ले जाते कहाँ आप? आप मंदिर में। मंदिर में दर्शन के लिए उधर लेंगे जो आप उधर लेंगे। अच्छा अच्छा तो आपको मिलते हैं
कुछ आदमी देते कुछ देते अच्छा आदमी होता देते अच्छा आदमी नहीं होते। अच्छा आपको पर डे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कस्टमर? कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, कभी खाली है। कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छा ऐसे नेपाली आदमी ठीक है, दिक्कत करते हैं। ये भाई इस तरह की कंडियाँ होती हैं जिसमें वो जो लोग पैदल नहीं चल पाते हैं तो उनको मंदिर तक पहुँचाने का बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे नेपाली भाई। और भाई आपको बद्रीनाथ में काफ़ी गर्म कपड़े मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ठंडा काफ़ी होती है, तो आपको गर्म कपड़ों की अच्छी अच्छी दुकानें यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। और पूरे देखिए टूरिस्ट काफ़ी हैं इस समय, मतलब जो श्रद्धालु हैं बद्रीनाथ आने वाले काफ़ी लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे देश के कोने कोने से। और भगवान विष्णु में श्रद्धा रखने वाले देश और विदेश से आपको बहुत सारे पर्यटक और श्रद्धालु आपको बद्रीनाथ में दिखेंगे। ये है यहाँ पे बद्रीनाथ में पेट्रोल पंप और सामने पे है बस अड्डा, यहाँ से आपको सरकारी और प्राइवेट बसें मिल जाएंगी। और ये है भाई इस तरीके से हम ले जाते हैं। जो वृद्ध बुजुर्ग हों मंदिर के आसपास काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है समय। और ये भाई हमारे काफी नेपाली बंधु भाई मंदिर में एंटर करने के लिए ये हमें इस प्रकार का हमें एक टोकन लेना पड़ता है यहाँ पे, तो हम तो लोकल बंदे हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सीधे मंदिर में जाइए। हम ले रहे हैं भाई इसमें प्रसाद और यहाँ पे 200 रुपये 100 300 400 500 और 1000 रुपये तक है ना ये चलता है भाई। ये तुलसी की माला है ना, जंगली तुलसी, ये बंद तुलसी है, मतलब जंगल की तुलसी है। भाई ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़बरदस्त है भाई सामने, क्योंकि लोग काफ़ी आए हैं इस समय बद्रीनाथ में और यहाँ पे सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। इस समय उन्होंने इंटर और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते रखे हैं। ये है इंटर का इस समय, मतलब यहाँ से आप मंदिर तक प्रवेश कर सकते हैं दर्शन के लिए। तो भाई अभी हम लगे हुए हैं लाइन में और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, लगभग 300-400 मीटर लंबी लाइन, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा है, लाखों में हजारों में गिनती है। ये देखिए भाई बहुत लंबी लाइन लगी हुई है इस तरफ से और ये देखिए चैन लगी हुई है, चैन के अंदर ही अंदर हम जा रहे हैं इस समय। बद्री विशाल भगवान के बोल, बद्री विशाल भगवान के। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं आज। और इस समय देखिए भीड़ देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत जबरदस्त भीड़ है, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, लाखों में भीड़ है। लाखों में भीड़ से ज्यादा है, करोड़ों में हो सकती है, बहुत जबरदस्त भीड़ है भाई। और अभी रात के 9 बज गए हैं लेकिन अभी भी मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए लोग लगातार जा ही रहे हैं। और ये देखिए भाई चलो बद्री विशाल भगवान के, जोर से बोलो जोर से। बहुत तगड़ी भीड़ है दोस्तों इस समय, रात के लगभग 8 बज गए हैं, शाम के 8 बज चुके हैं लेकिन भीड़ बहुत जबरदस्त है इस समय बद्रीनाथ धाम में, श्री बैकुंठ धाम। भगवान
भगवान के दर्शन होने वाले हैं कुछ ही देर में। लगभग दो घंटा मैं इधर लगा और आप देख रहे हैं लाखों में यहाँ पे भीड़। ये भाई गरुड़ भगवान बद्रीनाथ के जो वाहन हैं गरुड़ जी वो यहाँ पे द्वार पे हैं। जय जय। और इस समय तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं द्वार से मुख्य द्वार से अंदर की तरफ और ये है भाई मंदिर अंदर। जो भी किया हो पाप प्रभु हमको माफ कर देना। तो भाई यहाँ पे अभी श्रद्धालु भगवान से करवध अपने पापों के प्रायश्चित के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान हमारे पाप जो हैं आप अपने श्री चरणों में ले लें और हमें इन पापों से तार दें मुक्त कर दें। बद्रीनाथ जी के धाम हमने कर लिए हैं, अच्छे से हमने दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे हैं भाई हनुमान जी। जय हनुमंत बलवीरा। यहाँ पे हनुमंत जी हैं और इस तरफ है बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी के पास इस तरफ है और सामने है वृंदावन। भाई इस समय बारिश शुरू हो गई है बद्रीनाथ में और हल्का फुल्का बारिश चली है। समय कैमरे में इतना अच्छा आ नहीं रहा होगा क्योंकि गोप्रो रात को इतना अच्छा वर्क करता नहीं है। तो बद्रीनाथ धाम में तो काफ़ी चहल पहल है पीछे लेकिन हम निकल रहे हैं कमरे की तरफ। होटल समय आ गया है रात का डिनर इस समय और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। एक छोटा सा ढाबा है पहाड़ी ढाबा अपना और बाहर बहुत तेज़ बारिश चली भाई बहुत तगड़ी बारिश लगी हुई है बाहर क्योंकि आज बद्रीनाथ में आ रही है बहुत ज़्यादा बारिश और इसे ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ये आ गई भाई गर्मा गर्म रोटियाँ क्योंकि ठंडा काफ़ी हो रहा है भाव बोडी से था रोटियों से। भाई यहाँ तो मिलेगा आपको सीधा शुद्ध वैष्णव भोजन